नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों, जब देश में चुनाव हो रहा हो, वह भी लोकसभा का चुनाव, और चुनाव के परिणाम आने में महज एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है, और उस समय इस भारत देश के भीतर में कॉरपोरेट के भीतर एक हलचल सी पैदा हो गई है। ऐसा सामान्य तौर पे कभी होता नहीं था, क्योंकि कॉरपोरेट अक्सर इंतजार करता था कि दरअसल परिणाम होगा क्या, जनादेश निकलेगा कैसा, और कौन सी सरकार सत्ता में आ रही है, क्या पुरानी वाली सरकार बरकरार रहेगी या फिर कोई नई सत्ता आ रही है, उसकी आर्थिक नीतियां कैसी होगी, वह क्या कॉरपोरेट के साथ आगे चलेगी या फिर नहीं चलेगी। इन तमाम सारे बातों को लेकर के अक्सर चुनाव परिणाम से ठीक पहले कम से कम बाजार से कितना धन उठाना है और किसी कंपनी को कितना पैसा रेस करना है, और वह भी हजारों करोड़ की संख्या में, ऐसा सामान्य तौर पर कभी होता नहीं था। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आखिरी चरण की मतदान 1 तारीख को होगी, 4 जून को इस भारत देश के जनादेश का पता चल जाएगा। और अब तक जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो फिर विशेषज्ञ का कहना है, वह किसी को भी पूर्ण बहुमत देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में सियासी तौर पर बीते 10 साल की सत्ता ने अपने कॉरपोरेट मित्रों के साथ जो कुछ भी इस भारत देश के भीतर गुल खिलाए, वह सियासी तौर पर नहीं बल्कि इस भारत देश के भीतर चुनावी तौर पर मुद्दा बन गया है। और ऐसा कभी होता नहीं है कि किसी कॉरपोरेट का नाम ले लेकर मतलब राजनीतिक मुद्दा इस भारत देश के किसी चुनाव के भीतर बना हो। बहुत पहले 60-70 के दशक में अगर जाएंगे तो टाटा बिरला का कभी नाम लिया जाता था, लेकिन किसी एक कॉरपोरेट के हवाले इस भारत देश की समूची पूंजी कर दी गई हो, और वही सियासी राजनीतिक मुद्दा हो, और संदेश बहुत साफ हो इस भारत देश में कि सत्ता में अगर वो आ गए तो फिर कानूनी कार्रवाई करेगी या फिर फाइलें खुलने शुरू हो जाएगी। यानी जिस कॉरपोरेट को जितना लाभ मौजूदा सत्ता ने पहुंचाया, क्या उसकी फाइल भी खुलेगी? सियासी तौर पर यह स्थिति तो इस दौर में है ही, और ख़ास तौर पे अगर बात करें इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बाद की परिस्थिति ने इस भारत देश के भीतर एक संदेश तो पहुंचा दिया कि कॉरपोरेट की पूंजी और सत्ता की मलाई दोनों अगर मिल जाए तो फिर क्या कॉरपोरेट और क्या सत्ता, दोनों एक दूसरे को राहत देती है और विपक्ष का सुपरा साफ हो जाता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बाजार से जितनी बड़ी संख्या में पैसा को रेज करने की कोशिश अडानी कर रहे हैं, जितनी बड़ी कोशिश कुमार मंगलम बिरला कर रहे हैं, जो टाटा कर रहे हैं, और जो अपने तौर पर कॉरपोरेट की हलचल, चाहे वो अडानी के तौर पे हो, चाहे वह अपने लिए कहिए तो अग्रवाल ग्रुप यानी वेदांता के तौर पर हो रही हो। यानी ध्यान देने वाली बात है कि जो जो भी मौजूदा राजनीतिक सत्ता के करीब रहा इस दौर में, उसके अपने कॉरपोरेट और कंपनियों के भीतर कहीं ना कहीं हलचल पैदा हो गई है। तो इस हलचल का मतलब क्या है? क्या वाकई 4 जून के जनादेश को लेकर के अभी से यह बात मान लिया गया है कि इस भारत देश के भीतर में तो सरकारें की जोर तोड़ पैसों और धन बल के आश्रय बाखूबी चलती है? क्योंकि इससे पहले इस भारत देश के भीतर कमोबेश आधे दर्जन से ज्यादा राज तो ऐसे रहे ही हैं जहाँ पे सरकार गिराई गई है धन बल के जरूर, पार्टियां तोड़ी गई है पूंजी के आश्रय, और उन सब में CBI ED का अपना योगदान भी रहा है। तो आज एक एक करके, एक एक पन्ना दर पन्ना मौजूदा स्थिति में ऐसी कौन सी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई जहां पर कॉरपोरेट के घरों में हलचल बढ़ चुकी है, और सियासी तौर पर इस भारत देश में मुद्दा गरीब वर्सेस कॉरपोरेट का हो गया, और कॉरपोरेट के साथ मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार को खड़ा हुआ पूरे विपक्ष ने मान लिया। और यहीं से सवाल उठना शुरू होता है, क्या 4 जून के बाद की परिस्थितियों को लेकर वह विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, वह कांग्रेस हो वह या भारतीय जनता पार्टी हो या फिर वो नरेंद्र मोदी हो, या फिर कांग्रेस अपने तरीके से अपने अंदाज में हर कवच को साध रही है, दूसरी तरफ से हर हथियार को उठाया जा रहा है। आज बात करते हैं शुरुआत में एक संदेश बहुत जरूरी है जो कि तमाम दौर में राजनीतिक मंचों से निकलता है, और कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आखिरी चरण मतदान को लेकर के प्रियंका गांधी ने जो कहा, ये कैसे संभव हो जाता है कि जनता सरकार को चुने और सरकार को धन बल के आश्रय गिराने की कोशिश, न केवल कोशिश बल्कि सफल केंद्र सरकार हो जाए, ये पैसा इतना कहाँ से आता है? प्रियंका गांधी कहते हैं कि कुछ ही महीनों बाद भाजपा के पूरा खेमा, अमित शाह जी, मोदी जी, सबका प्रयास हो जाता है कि हम इस सरकार को गिराएंगे। कैसे गिराएंगे? क्या चुनाव करके गिरा रहे हैं? लोकतंत्र के तहत गिरा रहे हैं?
नहीं, धन बल पर गिराएंगे। हम विधायकों को पैसा दे देकर उन पर दबाव डाल डाल कर उनको अलग कर देंगे इस पॉलिटिकल पार्टी से और हमें सरकार को गिरा देंगे। किसी को 50 करोड़ दे रहे हैं, किसी को 100 करोड़ दे रहे हैं। चोरों की तरह विधायकों को छुपा कर बीच रात में कहीं ले जा रहे हैं, चंडीगढ़ तो हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, पुलिस फोर्स निकल आ रही है, केंद्रीय फोर्सेज आ रही हैं, किस बात के लिए? विधायकों को छुपा कर कहीं ले जाने के लिए, वह विधायक जिनको आपने पैसे खिलाए। ये लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री खुलेआम ये बात कर रहे हैं। मीडिया जो आज पूरी तरह से खरबपतियों ने खरीद रखी है, ये मीडिया वाले कह रहे हैं कि वाह 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 वाह, कोई सवाल ही नहीं उठा। भगवान प्रियंका गांधी कह रहा है कि कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या सब कुछ केवल राज्य सरकारों तक ही सीमित रहा, या लोकसभा के चुनाव में अगर जनादेश इस बार फंस गए यानी त्रिशंकु संसद की स्थिति आ गई, तो जो राज्यों के भीतर होता रहा क्या वही केंद्र के स्तर पर भी होगा? ये मैसेज इस दौर में इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि इसी समय में क्या बड़े बड़े कॉरपोरेट बाजार से पैसा रेज करने की स्थिति में? और यह सवाल इसलिए भी इस दौर में काफी बड़ा है क्योंकि इसी समय में पॉलिटिकल फंडिंग जो अलग अलग ट्रस्ट के जरिए अलग अलग माध्यम से होती थी, चाहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से होती थी, सब कुछ ठप हो गया है, थम गया है, रुक गया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड इस देश में असंवैधानिक या फिर कहे गैर कानूनी करार दिए जा चुके हैं, वह भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए। और कॉरपोरेट जब राजनीति के निशाने पे आए और या फिर राजनीतिक मुद्दा बना, तो इस भारत देश में जो पॉलिटिकल फंडिंग जो अलग अलग कॉरपोरेट ट्रस्टों के जरिए होती थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारी कंपनियां पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को देती थी, वह भी इस दौर में ठप हो चला है। तो बाजार के भीतर क्या चल रहा है? बाजार में इस दौर में अडानी को माना जाता रहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक मुखौटे के तौर पर है, जो कि आरोप विपक्ष लगाता रहा। पिछले असल ताकत पीछे की अडानी के पास है। अडानी ने इस दौर में अडानी इंटरप्राइजेस मार्केट से $2 बिलियन यानी करीब करीब 16,600 करोड़ रुपए रेज करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। बोर्ड ने इजाजत दे दी है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, उसके बोर्ड ने भी इजाजत दे दी करीब करीब $1.5 बिलियन यानी 12,500 करोड़ रुपया उससे भी बाजार से रेज करना है। और इसी दौर में अगर आप ध्यान देंगे तो दूसरी कंपनियों को भी, तो कुमार मंगलम बिरला, इंडेल्को मतलब बड़ी लाभ के साथ उनके इंडस्ट्री चल रहे, उसके बाद उन्होंने नोबलिस कंपनी जिसमें करीब 92.5% शेयर उनके पास है, उसने करीब करीब 45 मिलियन शेयर जो 18 से 21 रुपए उसको बेचने की दिशा में उसने कदम बढ़ा दिया। ये दरअसल एल्युमिनियम प्रोड्यूसर है कंपनी और ये अमेरिका में IPO ला रहे हैं और उसके जरिए करीब करीब $945 मिलियन यानी 7,876 करोड़ रुपए उसे भी अपने साथ लेने हैं, यानी उसे भी बाजार से ये पैसा चाहिए उस समय जब इस भारत देश के भीतर चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। इसी दौर में टाटा स्टील भी नॉन कन्वर्टेबल एडवेंचर्स के जरिए फंड जुटाने की तैयारी कर रहा। इसी दौर में हरकत हर बड़ी कंपनी हर बड़े कॉरपोरेट के साथ बड़ी हुई है। अडानीज और उसके बाद अंबानीज का जिक्र होता है, तो अंबानी ने भी इस दौर में रूस के साथ करीब करीब 3 मिलियन बैरल तेल खरीदने का समझौता किया। और बहुत बड़ी बात यह है कि वह तेल जो है वह रूबल करेंसी में खरीदा जाएगा, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये सब के साथ अब कोई कॉमर्स एक्सप्रेस मतलब उनकी जो कंपनी है उस दिशा में भी अंबानी की कंपनी बढ़ने वाली है। इतनी बड़ी हरकत के साथ अगर ध्यान देंगे, चाहे वेदांता ग्रुप हो या जो भी इस दौर में कंपनी आपके मन में आ रही हो, चाहे वो तमाम कंपनियां जो इस भारत देश के भीतर से पैसा लेकर भाग गई और उनकी एक लंबी लिस्ट है बैंकों के पास, RBI के पास, सरकार ने भी इसका जिक्र किया है, क्या उनके जरिए भी पैसे आएंगे इस भारत देश के भीतर चुनाव के समय में? क्योंकि 10 साल की राजनीति के साथ साथ कॉरपोरेट के नेटवर्थ को अगर आप समझना शुरू करेंगे, तो इन 10 सालों में जो सरकार के करीब के कॉरपोरेट मित्र रहे उनके नेटवर्थ में इजाफा इन 10 सालों में जितना हुआ उससे पहले किसी भी 5 सालों में नहीं हुआ। यानी हर शासन काल को अगर आप समझना शुरू करेंगे तो करीब करीब लगता है कि 10 साल को भी इसको खत्म कर दीजिए, तो खास करके 2019 से 2024 के बीच में
जो कॉरपोरेट के नेटवर्थ में बढ़ोतरी हुई, इतना बढ़ोतरी तो दशकों तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर के काल में कॉरपोरेट की हुई नहीं थी, लेकिन इस दौर में हुई है। कोई भी यहाँ एक सवाल पूछ सकता है, तो क्या बहुत बड़ी संख्या में कॉरपोरेट की अपनी साख नहीं बल्कि उसकी अपनी पूंजी मौजूदा सत्ता में लगी हुई है, और वह हर हाल में चाहेगा कि मौजूदा सत्ता रहे, और मौजूदा सत्ता भी इसका इशारा कर भी दिया है क्या? क्या ये सवाल इस दौर में इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि इसी समय में कोई नहीं सुना होगा कि जो सरकार के साथ खड़ी कंपनियां थी उनके दरवाजे पर ईडी या फिर सीबीआई फिर आईटी का नोटिस भी पहुंचा हो, जबकि दूसरी कई कंपनियां नहीं बल्कि इस भारत देश के भीतर जो छोटे बड़े व्यापारी हैं, करीब करीब बीते 5 सालों के भीतर इनके पास करीब करीब 5,000 से ज़्यादा बार नोटिस पहुंचे, छापे पड़े, कुछ संपत्ति जब्त भी की गई और उन पर कानूनी कार्रवाई की गई। और ये बातें जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए निकलकर सामने आई तो खुले तौर पे कहा गया कि छापा भी मारा गया, और उसके बाद वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद कर और भारतीय जनता पार्टी को पैसा देकर के मुक्ति के भाव में उनको राहत भी मिल गई। यानी केवल पॉलिटिकल तौर पर नहीं बल्कि कॉरपोरेट की पूंजी भी इस दौर में राहत रियायत उनको मिलती चली गई। तो क्या इसी मौके पर 4 जून के बाद इस भारत देश के भीतर सरकार बनाने की जोर तोड़ शुरू की जा रही है, और इस जोर तोड़ के भीतर क्या एक बहुत बड़ी स्थिति पूंजी को संभालने को लेकर है? ये सारे सवाल इस दौर में इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी अपने तौर पर जिन मुद्दों को उठा रहे हैं लगातार, उसमें सीधे तौर पर गरीब वर्सेस कॉरपोरेट को लाकर खड़ा कर रहे हैं।